आज है 5th मई और अभी टाइम हो रहा है 10 बजे और अभी हम लोग हैं फिनलैंड के पहले स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे जो कि रशिया के बाद आता है और स्टेशन का नाम है वेन काला। मुझे पता नहीं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन वेन काला मुझे जितना पढ़ने में आ रहा है। तो यहाँ पे लास्ट 1 घंटे से इट वाज मतलब थोड़ा सा सिचुएशन हमारे लिए थोड़ा पैनिक मोड था, क्योंकि पहले एक स्टेशन था व्योबोर्ग जो रशियन बॉर्डर का इमिग्रेशन स्टेशन है, जहाँ पे कि रशियन कस्टम्स और इमिग्रेशन वाले आए यहाँ पे। और मुझे रीज़न तो बिल्कुल भी नहीं पता है, वो इंडियन पासपोर्ट को लेकर सेटिस्फाइड नहीं थे और उन्होंने 40 मिनट तक क्वेश्चनरी की मुझसे। क्वेश्चनरी में नॉर्मल तो है, क्यों जा रहे हो, क्या जा रहे हो, कितना पैसा है, होटल बुकिंग है या नहीं, ये सब नॉर्मल था। लेकिन उसके बाद उन्होंने वीज़ा के बारे में पूछा कि हम जेन्युइन हैं तो फिर वीज़ा कितने दिन में आया, फिनलैंड का वीज़ा कितने दिन में आया, शेंगेन वीज़ा कितने दिन में आया। और उसके बाद उन्होंने सिचुएशन डालना शुरू कर दिया कि एक सिचुएशन उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले कोई 2 इंडियन पकड़े गए हैं फिनलैंड में फर्जरी जो डुप्लीकेट वीज़ा होता है उसके लिए। तो वो बोल रहे थे अगर आपके पास और 10 मिनट हैं, अगर आपका भी वीज़ा डुप्लीकेट है तो फिर अभी डिक्लेयर कर दो, नहीं तो आप जेल के अंदर हो गए। तो ये एक सिचुएशन था। तो फिर ऐसे सिचुएशन में पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन स्माइल कीजिए और जितना पता है, जितना प्रोसेस किए हुए हो तो उसी को बताओ। जैसे मैंने बताया कि मैंने इतने दिन में वीज़ा अप्लाई किया और इतने दिन में फिनलैंड एम्बेसी से मुझे वीज़ा आया है, रशियन कॉन्सुलेट में मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया था, रशियन कॉन्सुलेट से वीज़ा आया है, मेरे पास होटल बुकिंग है, मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं एज अ टूरिस्ट जा रहा हूँ और मेरा रिकॉर्ड एशियन कंट्रीज़ के अंदर है जहाँ पर मैं घूमा हुआ हूँ, तो जेन्युइन था। तो फिर ग्रिल किया उन्होंने, उनको लगा कि मेरे से कुछ निकल आएगा या फिर कुछ, उनका काम है वो, तो फिर नॉर्मल बिहेव कीजिए। उसके बाद रशियन बॉर्डर पे उन्होंने स्टैंप लगवा दिया और निकल गए। और उसके बाद इस स्टेशन में फिनलैंड वाले जो कॉन्सुलेट सॉरी फिनलैंड के इमिग्रेशन वाले और कस्टम्स वाले यहाँ पे आए और उनकी क्वेश्चनरीज बहुत नॉर्मल थी कि एयर टिकट कहाँ है, कहाँ पे रह रहे हो, वापस रशिया क्यों जाओगे, इंडिया कब वापस जा रहे हो, तो ये नॉर्मल क्वेश्चंस थे। लेकिन उनका जो चेकिंग प्रोसीजर था वो अलग था, सारे बैग ओपन करके उन्होंने एक एक कपड़े निकाले मेरे नहीं बैग में से और एक एक चीज़ निकाल के देखा और उसके बाद वो सेटिस्फाइड थे और उसके बाद स्टैंप लग गया। तो अभी हो रहा है 10 और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था, किसी भी एशियन कंट्री में मैंने ऐसा इमिग्रेशन फेस नहीं किया था, तो फिर ऐसा इमिग्रेशन फेस करना चाहिए जैसे कि हिम्मत पड़े ट्रैवल करने की। बस यही इन्फॉर्मेशन चेंज करना था। अभी ये ब्रेकफास्ट मंगवाया है, ब्रेकफास्ट मंगवा के उसके बाद ट्रेन का एक चक्कर मारेंगे, क्योंकि ट्रेन का एक चक्कर मारेंगे, मुझे ट्रेन देखना है क्योंकि ट्रेन के अंदर एक रेस्टोरेंट भी है और क्या है वो नहीं पता। अराउंड 1-1.5 बजे शायद हम लोग हेलसिंकी पहुंच जाएंगे और उसके बाद हेलसिंकी का नज़ारा, हेलसिंकी को एक्सप्लोर करेंगे, मज़ा आ रहा है बस। ऐसा होता है सेकंड क्लास का, यहाँ पे
एक सीट यहाँ पे, दो सीट यहाँ पे, तीसरा चौथा ये कुछ ऐसा है, और ये डोर ऐसे लॉक हो सकता है, और डोर लॉक होने के बाद इस कार्ड से ओनली जो चार लोग हैं वो एक्सेस अंदर घुस सकते हैं अगर डोर लॉक। तो चलिए आगे चलते हैं, मैं दिखाता हूँ कि आगे कैसा दिखता है। तो ये है कंपार्टमेंट, साइड में सारे सीट्स हैं और एक साइड में पैसेज है, और ये है इंफॉर्मेशन यहाँ पे, जैसे कि देख रहा है कि अभी करंट टेम्परेचर बाहर है 8 सेल्सियस 8 डिग्री, और बॉगी के अंदर है 22, इसीलिए मैं टी शर्ट पहन के घूम रहा हूँ। टाइम हो रहा है 11:14 सुबह के, और हेलसिंकी जाना है, ये ट्रेन हेलसिंकी जा रही है, और ये है 5th नंबर बॉगी। तो अंदर टेम्परेचर काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है, तो जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं है 22 डिग्री में। तो अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे ट्रेन के दूसरे पार्ट की तरफ, 8:00 पार करके। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि फर्स्ट क्लास कैसा दिखता है और रेस्टोरेंट कैसा है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं पूरा ट्रेन। तो अब मैं हूँ ट्रेन के रेस्टोरेंट पे, ये बॉगी है जिसमें कि खाना पीना आप ऑर्डर कर सकते हैं, ये चार्जेबल है, टिकट मिलती है, और यहाँ पे पीछे टीवी भी है, टीवी में शायद कोई रशियन मूवी चल रही है, और अच्छा है बैठ के खाने के लिए ट्रेन के अंदर रेस्टोरेंट। और मेन्यू देखा, चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन ऑन बोर्ड ट्रेन में खाने के लिए ठीक है। वेजिटेरियन ऑप्शंस में भी कुछ सलाद्स हैं, 4-5 ऑप्शंस हैं वेजिटेरियन, लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर भूख लग रही है। तो अब मैं वापस चलता हूँ। वैसे ट्रेन का वॉशरूम इतना अच्छा था क्योंकि मैं नहा भी लिया और उसके बाद मैंने शेयर भी कर दिया। तो अब वापस चलता हूँ अपनी बुकिंग की तरफ। ये ऐसे खुलता है और ये बुकिंग जॉइंट है जो दोनों बुकिंग को जॉइंट करता है। ये पैसेज है, जैसे जैसे आगे चलते हैं और साइड में सीट्स हैं और सब एक साइड में पैसेज है, जैसे हमारे इंडिया में होता है दोनों साइड में सीट्स और बीच में पैसेज, ये वैसा नहीं है। राइट हैंड साइड में सीट्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड में वॉकिंग पैसेज हैं विद विंडोज। This is the first class. This one is the first class? Yes. Yeah. Can I record a video here? No. No? Okay, thank you. So, yeah, first class. First class or second class mein kuch farak nahi hai, bas upar wali seat jo hai, jaise second class mein 4 hote hain, 1 2 3 4, aur first class mein upar wali nahi hai, wo fold ho jati hai. Aur kuch farak nahi hai, aur uske sath shayad complimentary khana hai ya ड्रिंक के लिए कुछ है, कंफर्ट के हिसाब से इट्स द सेम। वैसा कुछ ज़्यादा फर्क मुझे दिखा नहीं। तो बजट में ट्रैवल कर रहे हो तो फिर सेकंड क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं आराम से, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा। ये है कुछ फर्स्ट क्लास जिसमें कि 2 सीट्स हैं, ऊपर सीट्स नहीं हैं, और पीने के लिए कुछ ड्रिंक्स हैं और ग्लास और फूल और स्नैक्स मिलता है। दैट्स ऑल। तो ये था मेरे ट्रेन का, ये मेरी बॉगी नंबर बॉगी है, ये है 10 नंबर बॉगी, और मुझे जाना है 5 नंबर पे। तो ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस मॉस्को से हेलसिंकी ट्रेन ट्रैवल का। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखें, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। तो कुछ ज़्यादा आप
ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, पैसे भी नहीं लगेंगे, लेकिन थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, थोड़ा मज़ा आता है लाइक्स देखने से बस।